नर्मदापुरम से बड़ी खबर है। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। लोगों ने ट्रैक्टर से महिला को कुचला है। खूनी संघर्ष में महिला की मौत हुई है। चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सोहागपुर के रेवा मोहारी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, खूनी संघर्ष में महिला की मौत बताई जा रही है। चार लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हुए हैं। सोहागपुर के रेवा मोहारी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला था, जिसके बाद लोगों ने ट्रैक्टर से महिला की इसमें मौत हुई है। चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सोहागपुर के रेवा मोहारी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला था और देखते ही देखते स्थितियां यहां पर बिगड़ती चली गई। ये संघर्ष और ज्यादा बढ़ता चला गया। तो नर्मदापुरम में दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। जमीन विवाद को लेकर ये दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। लोगों ने ट्रैक्टर से महिला को कुचल दिया, जिसमें महिला की मौत हो गई, जबकि चार लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं इस घटना के सामने आने के बाद। आखिरकार इस तरह की स्थितियां क्यों हैं, क्यों लोग छोटी छोटी बातों पर इस तरह से एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू हो जाते हैं। राहुल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, कैसे पूरा विवाद शुरू हुआ था, क्या जानकारी पूरे मामले में? जानकारी तो अभी इस मामले की नहीं मिल पाई है, पर प्रारंभिक जांच में पुलिस ने पता किया है कि पारिवारिक महिला का पारिवारिक विवाद चल रहा था और ये विवाद जमीनी है, खेती का विवाद है। महिला के परिवार मतलब देवर और महिला का विवाद चल रहा था, जिस पर देवर से कहा सुनी हुई कि फसल, मूंग की फसल जो बोई थी वो देवर काट रहे थे उनकी। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो बड़ा